से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। लगातार सुबह से मतदान की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में प्रत्याशियों के भाग्य का जो फैसला है वो मतदाताओं के हाथ में है। 3 नवंबर को तस्वीर साफ होगी। जयपुर हेरिटेज के वार्ड नंबर 36 में मतदान जारी है। मतदान केंद्र पर धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है क्योंकि सुबह का समय होता है, आमतौर पर रोजमर्रा के काम भी होते हैं, तो ऐसे में लगातार जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं। कोरोना की गाइडलाइन की पालना यहां पर हो रही है, प्रशासन मौजूद है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। चलिए वार्ड नंबर 36 से फिलहाल हमारे सहयोगी मनीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, वहां से कैसे तस्वीरें देखिए, सुबह से उत्साहित होकर मतदान करते हुए मतदाता नजर आ रहे हैं और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी इन्हीं के हाथ में, ऐसे में क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं? देखिए वनीसा, आज बहुत ही खूबसूरत दिन है लोकतंत्र का और आज शहरों की सरकार सुनी जा रही है। जयपुर हेरिटेज के हम इस समय मौजूद है, बनीपार्क के अंदर सिविल लाइन विधानसभा का ये एक वार्ड नंबर 36 है, जहाँ पे धीरे धीरे सुबह से अभी तक सवा घंटा लगभग हो चुका है, जहाँ पे धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे यहाँ पे मतदाता आ रहे हैं। और इस समय मैं आपको यहाँ पे जिस तरीके से व्यवस्थाएं जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी जो व्यवस्थाएं यहाँ पे उनकी गाइडलाइन है, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो खड़े हुए हैं कर्मचारी यहाँ पे ये मास्क लेके हाथ में खड़े हुए हैं, कोई भी बाहर से बिना मास्क अगर यहाँ पे आता है तो उनको मास्क दिए जाते हैं और आने के समय और जाने के समय यहाँ पे हाथों में सैनिटाइज करवाया जाता है। और बिना मास्क यहाँ पे जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को कोई मतदान करने के लिए आ रहा है तो यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। और आप मेरे साथ में देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे जो मतदाता हैं तो मतदान करके बाहर निकल रहे हैं और लगातार यहाँ पे मतदाता जो सुबह से एक के बाद एक लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुबह से अभी तक सवा घंटा हो चुका है और धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा मेरे कैमरामैन विजय गिरी को, ये बताएंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से जो भी बाहर से व्यक्ति आता है उसके पास में अगर पर्ची नहीं है तो यहाँ से पर्ची लेता है और पर्ची लेने के बाद में आगे जो बूथ है, यहाँ पे 6 बूथ बने हुए हैं मतदाता, यहाँ पे 6 मतदाता के बूथ बने हुए हैं और हर बूथ के ऊपर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे नजर आ रही है तो एक एक बूथ के ऊपर 3-3 जो है पुलिस का जाप्ता लगाया गया, पुलिस कर्मियों का जाप्ता लगाया गया और माकूल जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे लगातार नजर आ रही है। और कुल यहाँ पे 6 बूथ जो बने हुए हैं, 6 बूथ के ऊपर 18 पुलिस कर्मियों का यहाँ पे जाप्ता है ये लगा हुआ है और तमाम व्यवस्थाओं के साथ में यहाँ पे वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से यहाँ पे वोटिंग का जो है अभी तक धीरे धीरे जो है प्रतिशत बढ़ रहा है। और जिस तरीके से ये, मैं आपको साथ में यह भी बता दूं, ये जयपुर हेरिटेज का वो हिस्सा है तो बनीपार्क के अंदर मौजूद है और कलेक्ट्रेट के जस्ट पास वाला बूथ है, वार्ड नंबर 36 ये बूथ है। और हर बूथ के बाहर गाइडलाइन लगी हुई है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, मैं आपको यह दिखा दूं जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन लगी हुई है, इसके ऊपर सभी जो इंटेक्शन है ये मौजूद है, इसके ऊपर मशीन के ऊपर बाएं ओर से हरी बत्ती जलने पर मशीन वोट डालने के लिए तैयार है, ऐसे सभी इंटेक्शन है यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे किसी तरीके से कोई तकलीफ नहीं होती है और मतदाता यहाँ पे लगातार इन इंटेक्शन को फड़ने के बाद में किसी भी तरीके से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। और अगर किसी भी तरीके से कोई परेशानी होती भी है तो पीठासीन अधिकारी से वह संपर्क कर सकता है और यहाँ पे हर कमरा नंबर बना हुआ है, कमरे नंबर के बाहर मतदाताओं को कोई किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं है और लगातार यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था है वो माकूल है नजर आ रही है। और मैं आपको एक तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको और हम इस समय आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे पुलिसकर्मी लगातार आप देख सकते हो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। और कैमरामैन में मेरे विजय गिरी सहयोगी को कहूंगा कि ये दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से लोग अंदर वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग के साथ साथ जिस तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद में उनको आगे जो प्रक्रिया है उसके लिए आगे भेजा जा रहा है और ये जिस तरीके से लगातार जो प्रक्रिया है ये अपनाई जा रही है। और अब ये इसके जो मतदाता है मतदाता के हाथ में शाही लगाने की जो प्रक्रिया है ये भी की जा रही है। बिल्कुल, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मतदाताओं के हाथ में जो शाही लगाने की जो प्रक्रिया है इसको किया जा रहा है और इसके बाद में मतदाता जो है पूरी प्रक्रिया से गुजर रहा है। जी मनीषा, बिल्कुल मनीष, देखिए आज हेरिटेज के मतदाता ये तय कर देंगे कि कांग्रेस जो है पहली बार वोट बनाएगी या फिर भाजपा यहाँ पर इतिहास दोहराएगी। वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं, बातचीत अगर आपकी हो सके तो किस और रुझान नजर आ रहा है और क्या क्या आखिर मुद्दे हैं उनके? यहाँ
जी फिलहाल यहाँ पे मतदाताओं का जो रुख है वो यहाँ पे कम नजर आ रहा है, क्योंकि धीरे अभी सुबह से अभी मतदाता जब आना ही शुरू हुए हैं तो यहाँ पे कम मतदाता अभी आ रहे हैं, क्योंकि ये पास कॉलोनी एरिया है। तो यहाँ पे अभी तक 8:30 बजे जो से इस समय जो है टाइमिंग है, इसके हिसाब से अभी धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके बाद में जैसे लगभग यही लग रहा है कि 10 बजे के बाद में जो यहाँ पे मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी, और अभी तक यहाँ पे मतदाता बहुत कम संख्या में आ रहे हैं और 10 बजे के बाद में यहाँ पे मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी। जी जी मनीष, देखिए वृद्ध जन और दिव्यांग जनों के लिए भी खास व्यवस्था की गई होगी, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से उन्हें मतदान करवाया जा रहा है। साथ ही अगर कोविड पेशेंट की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्योंकि हर जगह से जायजा हमने लिया है। जी यहाँ पे कोविड पेशेंट के लिए यहाँ पे अलग से व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पे अभी हमने रिटर्निंग अधिकारी से बात की थी, हमारे साथ में यहाँ पे तमाम जो रिटर्निंग अधिकारी और यहाँ पे जो जिस तरीके से मौजूद है, हमने इनसे कुछ समय पहले बात भी की थी और हमने इनसे पूछा भी था, और हम इनसे जिस तरीके से पूछ रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से कोविड पेशेंट यहाँ पे आते हैं तो कोविड पेशेंट के लिए क्या व्यवस्था रहेगी। तो सर, अगर कोविड पेशेंट आपके यहाँ पे आता है तो कोविड पेशेंट के लिए किस तरीके से क्या मतदान की व्यवस्था रहेगी? सबसे पहले तो हमको ये बताया गया है कि जो कोविड पेशेंट रहेगा उसका मतदान आखिरी समय में होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनके लिए किट की व्यवस्था रहती है, बकायदा वो एक लेटर पे लिखे हुए होते हैं कि मैं कोविड पेशेंट हूँ, और पूरा किट उनके लिए होता है, पूरे इंतजाम के साथ उनका वोट लास्ट में कास्ट किया जाता है। अच्छा, और जिस तरीके से सीनियर सिटीजन वगैरह अगर वो आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था सर? आप सीनियर सिटीजन के लिए होता है कि सबसे पहले उनको वरीयता दी जाती है, लाइनिंग उनको अवॉइड किया जाता है कि आप पहले मतदान करें, और ज्यादा ही सीनियर सिटीजन है और खुद वोट कास्ट यदि नहीं कर पाते तो उनका एक सहायक होता है, हम बकायदा एक घोषणा पत्र भरवाते हैं सहायक की, और रिपोर्ट हमारे पास रहती है और उनकी सहायता से वोट कास्ट किया जाता है। सर, सुबह से अब तक जिस तरीके से मतदान हो रहा है तो अभी तक मतदाताओं की संख्या में किस तरीके से क्या वृद्धि हो रही है? सुबह थोड़ा धीरे चला है, अभी फिलहाल हमारे 5 से 6 वोट के आसपास वोट कास्ट हुआ है। अब शहरी क्षेत्र है, लोग जो है 9-10 बजे तक तैयार होते हैं, उसके बाद वोट कास्ट की उम्मीद है कि बढ़ेगा। तो यहाँ पे रिटर्निंग अधिकारी जो मौजूद है उनका यही कहना है कि धीरे धीरे जिस तरीके से पास कॉलोनी एरिया है यहाँ पे मतदाताओं की संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है, और यहाँ पे तमाम जो जिस तरीके से सीनियर सिटीजन की बात करें या जैसे कोविड पेशेंट्स की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसकी गाइडलाइन के तहत सभी के लिए अलग अलग व्यवस्था है, और यहाँ पे तमाम तरीके की जो व्यवस्था है राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके साथ में तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पे आप भी देख पा रहे हैं सोशल डिस्टेंस के लिए अलग अलग जिस तरीके से ये बनाए हुए हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं इनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए, मतदाताओं को खड़े रहने के लिए, इसके लिए गैपिंग यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे बाहर जिस तरीके से सैनिटाइजर हाथ के अंदर है, और तमाम यहाँ पे व्यवस्था है जो मौजूद है, और यहाँ पे लगातार जो है मतदान की प्रक्रिया जारी है, और अभी धीरे धीरे यहाँ पे व्यवस्था है तो पूरी मौजूद है और मतदाताओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जी मनीषा, बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी आपने साझा किया, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए हर जगह से लगातार सुबह से ही हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, लोकतंत्र का महापर्व आज मनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में सुबह से मतदाता लगातार उत्साहित होकर मतदान करने के लिए